चलिए दोस्तों, आज देखते हैं मोरिंगा हनी बनता कैसा है। जैसे कि ये सहजन का प्लांट्स आप देख रहे हैं, ड्रमस्टिक के प्लांट्स के, इसके 5 से 10 से करके फ्लॉट्स में हम लोग हनी के बॉक्सेस रखते हैं, तभी हम लोगों को बढ़िया हनी मिलेगा। और जैसे आपको देखने मिलेगा कि यहाँ पे हनी भी उनका काम कर रहे हैं, सहजन के प्लांट्स से उनके फूलों से उनका एक्सट्रैक्शन निकाल रहे हैं, तो आपको देखने मिलेगा कि ऐसे ही लगातार 6 महीना 5 महीना काम चलेगा हनी बीज का। उसके बाद हम लोग इस कुंभ को निकाल के देखेंगे इसमें भरा हुआ है या नहीं भरा हुआ है। जैसे हम लोगों को कुंभ्स भरे हुए मिलेंगे, उनको थोड़ा सा स्मोक देके हनी बीज को वहाँ से हटाया जाएगा। उसके बाद उसको फिल्ट्रेशन के लिए प्रिपेयर किया जाएगा। फिल्ट्रेशन में आने के बाद 3 स्टेजेस ऑफ फिल्ट्रेशन होता है। इन तीनों स्टेजेस ऑफ फिल्ट्रेशन खत्म होने के बाद जैसे कि हनी आपको 100% यूजेबल रहेगा, उसके अंदर कुछ भी नहीं रहेगा, जितना भी डेब्रिस जो भी है एकदम टोटली क्लियर आउट रहेगा। तो उसके बाद आपको डायरेक्टली जाता है पैकिंग के अंदर, किसी जगह पे स्टॉक नहीं होगा, सीधा पैक होके मार्केट के लिए अवेलेबल हो जाएगा मेडॉक लेक का मोरिंगा हनी।